राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी, लेकिन हुआ क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुकर चुकी है। बता दें कि हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में हुए जिसमें राजस्थान भी शामिल था। राजस्थान की बात करें और कोई मुद्दों पर वहाँ पर राजनीति नहीं हुई है। राजनीति में एक ही मैनिफेस्टो था जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, जिसमें केवल और केवल थे सिलेंडर के दाम। अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जनता को आश्वासन दिया कि सबसे सस्ते में यानी कि 500 रुपये में उनको सिलेंडर मुहैया करवाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों को यह आश्वासन दिया कि 450 में वह उनको सिलेंडर देगी। लेकिन अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता। चुनाव को जब 4 दिन बचे थे तो गहलोत सरकार भी बढ़ चढ़ के आगे आती है और जनता से बात करती है कि वह इन्हें सिर्फ 400 रुपये में सिलेंडर देगी। यानी कि राजस्थान में जो भी चुनावी लड़ाई थी वो केवल और केवल गैस सिलेंडर को लेकर। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात मानी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी बदलाव चाहते थे और हर बार बदलाव वहाँ देखने को भी मिलता है। तो बदलाव में ऐसा होता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाती है। अभी CM की बात करें तो इनके बारे में सभी जानते हैं। अभी राजस्थान के लोगों की बात करें तो राजस्थान के लोगों ने 450 को चुना, ना कि 400। अभी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली को एक चिट्ठी लिखी थी जिससे जवाब मांगने की कोशिश की। उन्होंने उनसे पूछा था कि जो आपने 450 में गैस सिलेंडर देने की बात की थी उस योजना पर आपकी सरकार क्या कर रही है। जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, नहीं, भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है और इसकी कोई योजना नहीं। यानी कि तेली साहब बिल्कुल मुकर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान में किसी प्रकार का कोई भी वादा नहीं किया गया। अभी आप ही बताओ कि भारतीय जनता पार्टी जिसने राजस्थान में 450 में सिलेंडर देने की बात की, अभी उन्हीं के मंत्री तेली साहब ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि उस समय की काफ़ी वीडियोस, मैनिफेस्टो, प्रॉपर फोटोस जिसमें JP नड्डा वो पोस्टर्स लेके खड़े हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन केंद्र सरकार इससे मुकर रही है। चुनावों की बात करें तो अभी केवल 5 राज्यों में ही विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो अभी लोकसभा के चुनाव होना पेंडिंग है जिससे पूरे देश की राजनीति तय होगी। ऐसे में तेली साहब का ये लिखित रूप पे बयान सही है या नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी केंद्र के द्वारा स्कीम नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। अभी हो सकता है कि ये इस तरह से निभाया जाए कि केंद्र के द्वारा उनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिले, यानी कि हो सकता है कि केंद्र के द्वारा राजस्थान में फंडिंग नहीं दी जाएगी लेकिन राज्य सरकार पर्सनल सब्सिडी से उन लोगों को सस्ते में सिलेंडर दे सकती है। अभी गहलोत सरकार की बात करें, इससे पहले जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते थे उनके लिए सिलेंडर पे ऑलरेडी सब्सिडी थी, 500 के अराउंड उन्हें सिलेंडर मिलता था। लेकिन इस समय वो लोग भी चिंता में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद क्या जो उन गरीब लोगों को इतने सस्ते में सिलेंडर मिल रहा था मिलेगा या नहीं मिलेगा, आने वाले समय में वहाँ पर सिलेंडर की कीमतें क्या होगी वो राज्य सरकार भी तय कर सकती है। और यदि लोगों के द्वारा इसके लिए विरोध किया जाता है तो हो सकता है कि केंद्र सरकार भी इस पर किसी प्रकार का ठोस कदम उठा ले, क्योंकि जल्द ही लोकसभा की इलेक्शंस आने वाली हैं, लोगों ने भरोसा भी किया और वोट भी किया। लेकिन जब ये सुनने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग आने वाले समय में इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। यदि केंद्र सरकार इस पर कोई स्टेप उठाती है तो आने वाले समय में जो लोकसभा की इलेक्शन है उनको फेवर मिल सकता है, और यदि सरकार उनकी डिमांड्स को इग्नोर करती है या फिर सिलेंडर को सस्ता नहीं करती है तो हो सकता है कि इसका खामियाजा उन्हें पूरे देश में भी भुगतना पड़े, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए ये पॉइंट बन जाएगा कि मोदी सरकार झूठी है। इसके रिलेटेड जो भी खबर होगी BBN के माध्यम से हम आपके सामने लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं, देखते रहेंगे।